लास्ट वीडियो तक मैंने आपको आपका लास्ट चैप्टर पढ़ाया था विच वॉज अबाउट सेल्फ, है ना। तो जैसे आप लोग ने बोला, सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर चैप्टर नंबर 13, दैट इज व्हाई डू वी फॉल इल। चैप्टर 13 है ना, व्हाई डू वी फॉल इल। ठीक है, वॉट इज द मीनिंग ऑफ फॉलिंग इल, है ना। हम बोलते हैं ठीक है, हम बीमार पड़ गए, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, व्हाई डू वी फॉल इल। वॉट इज द मीनिंग ऑफ फॉलिंग इल, तो इल होने का मतलब हैविंग एनी डिजीज, है ना। यस, नॉट ओनली जस्ट हैविंग एनी डिजीज, इट मीन्स नॉट बींग हेल्दी। ठीक है, तो इससे आपका सबसे पहला डेफिनेशन आता है आपके चैप्टर का, दैट इज हेल्दी। वॉट इज द मीनिंग ऑफ बींग हेल्दी एंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ बींग डिजीज फ्री। ये तो अलग अलग टर्म है, डिजीज होना और हेल्दी होना, है ना। डिजीज होना और डिजीज फ्री होना और हेल्दी होना, दीज टू आर कम्प्लीटली डिफरेंट टर्म्स, है ना। डिजीज फ्री होना मत, अच्छा पहले डिजीज का मतलब समझते हैं। व्हाट इज डिजीज, डिस मतलब है ना ओपोजिट ऑफ समथिंग एंड ईज मतलब आपका आराम, है ना। तो डिजीज्ड कंडीशन इज एनी कंडीशन जिसमें कि आपका जो ईज है ना, आपके बॉडी का जो फंक्शनिंग का ईज है, वो आपका टाइम के साथ खत्म हो जाता है। सो प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ डिजीज, है ना। तो देखो, डिजीज इज अ कंडीशन, डिजीज इज अ कंडीशन इन विच देयर इज डिसफंक्शन और डिसरेगुलेशन ऑफ वन और मोर parts of your body characterized by various signs and symptoms, ठीक है, characterized by various signs and symptoms। तो दो words आते हैं यहाँ पे, sign और symptom। sign और symptom क्या होता है, जब आपको कोई डिजीज होता है ना, तो जो आपको फील होता है ना एज अ पेशेंट, उसको हम बोलते हैं सिम्टम। जैसे कि आप क्या बोलिएगा, मेरे को ठंड लग रही है, मेरे को पेन हो रहा है ना, आई एम नॉट एबल टू सी, आई एम नॉट एबल टू गेट अप, मेरे को थकान लग रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स इज व्हाट यू आर फीलिंग, जो आप फील कर रहे हैं, इन चीजों को हम कहते हैं दीज आर सिम्टम्स, है ना। साइन किसको बोलते हैं किसी डिजीज का, साइन इसको बोलते हैं जो आपके फिजिशियन या आपके डॉक्टर आप में किसी डिजीज में देखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एनीमिया की, है ना, तो एनीमिया में क्या होता है, आपका जो रंग होता है वो पेल पड़ जाता है, ठीक है। तो ये आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, है ना, ये फिजिशियन देखेगा कि अच्छा इसका आईज का कलर कैसा हो गया, आई का कंजंक्टिवा का कलर आपका पेल हो गया है, व्हाइटिश हो गया है पिंक के बजाय, ठीक है। वो देखेगा कि आपका फीवर बढ़ा हुआ है, आपके स्किन में रेडनेस है, वो देखेगा ऐसे पालपेट करके कि अच्छा ऐसे दबाने से आपको पेन हो रहा है ना। तो जो भी चीज आपके डॉक्टर या आपके फिजिशियन आप में ऑब्जर्व करते हैं, उनको हम साइंस कहते हैं, ठीक है। तो मैं डिजीज फ्री होना, डिजीज का डेफिनेशन हम जान लिए, कोई भी आपके बॉडी में इल फंक्शन या इल रेगुलरिटी अगर होगा किसी भी बॉडी के फंक्शनिंग में, तो हम उसको डिजीज कहते हैं। अब डिजीज फ्री अगर आपके बॉडी में कोई डिजीज नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि आप हेल्दी हो, है ना। जस्ट बीइंग फिजिकली नॉर्मल डजंट मीन कि आप डिजीज फ्री है। तो हेल्थ का या हेल्दी होने का डेफिनेशन क्या होता है, तो WHO के अकॉर्डिंग, है ना, लिखो, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, है ना। तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल सोशल एंड मेंटल वेलबींग। मतलब किसी पर्सन को हम हेल्दी कब कहेंगे, हम किसी पर्सन को हेल्दी तभी कहेंगे जब वो फिजिकली फिट तो हो ही, उसको कोई फिजिकली डिजीज तो हो नहीं, उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम भी नहीं हो, मेंटली भी वो नॉर्मल हो। आजकल मेंटल कौन कौन सा इलनेस हमको पता चल रहा है ना, डिप्रेशन, स्किजोफ्रेनिया, है ना, मेनिया, ये सब आपका मेंटल डिजीजेस हो गए, ठीक है।
एक मेंटल और सोशल मतलब सोसाइटी के साथ भी अडेप्ट कर सके, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई बात ही नहीं कर रहा है किसी के साथ साल दर साल तक, है ना। तो दैट पर्सन इज नॉट सोशली फिट, ही शुड बी इंटरैक्टिव। उसको अपने जैसे और ह्यूमंस के साथ बात करना चाहिए, इंटरैक्ट होना चाहिए ना। इंट्रोवर्ट डजंट मीन बींग नॉट हेल्दी, है ना। इंट्रोवर्ट होना अलग बात है, एटलीस्ट अपने फैमिली के साथ तो बात करते हैं, है ना। अगर आप सोशली अनफिट है मतलब आप किसी से भी बिल्कुल सोशलाइज नहीं करते, आप कहीं नहीं जाते हैं, है ना, आप कुछ नहीं करते हैं, किसी के साथ कुछ इंटरेक्शन नहीं है आपका, उसको हम बोलेंगे बींग सोशली अनफिट, है ना। तो सबसे पहले हेल्दी का या हेल्थ का क्या डेफिनेशन हो गया, अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल सोशल एंड मेंटल वेलबींग। ओके चलिए, अब आपके बुक में थोड़ा सा है ना, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये सब आपका नॉर्मल है कि आप हेल्थ कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपका हेल्थ किससे किससे अफेक्ट होगा, एक तो आप कैसे अपने आप को न्यूट्रिशन देते हैं, है ना, अपना ध्यान कैसे रखते हैं, अपना हाइजीन कैसे रखते हैं, ये आपके ऊपर हो गया। दूसरा आपका एनवायरनमेंट कैसा है ना, आपके अराउंड पीपल कैसे हैं, आपके एनवायरनमेंट में कितना पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, आप खाना कैसा खाते हैं, आपका पानी कैसा है अगल बगल का, प्रॉपर लाइटिंग है या नहीं एरिया में, तो ये सब काफ़ी चीज़ों से आपका हेल्थ का इफेक्ट होता है ना। तो इसके ऊपर नहीं जाते, दिस इज मतलब वेरी इजी, ये आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है जो दैट इज, है ना, नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ डिजीजेस। लेट अस स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ डिजीजेस। तो डिजीज को हम बहुत तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जिस तरीके से हम क्लासिफाई करेंगे दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम या बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज। ठीक है, कोई भी डिजीज कितने देर के लिए किसी इंसान में रहता है दैट इज ऑन दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज। तो आपका ड्यूरेशन के बेसिस पे हम तीन बेसिस पे डिजीज को डिवाइड करते हैं। आपके बुक के हिसाब से दो में करते हैं लेकिन जो एक्चुअल होता है वो तीन होता है ना। एक इज अक्यूट, दूसरा इज सब अक्यूट, थर्ड इज क्रोनिक, है ना, एक्यूट सब एक्यूट एंड क्रोनिक। तो एक्यूट कब बोलते हैं, है ना, जब किसी डिजीज का ड्यूरेशन आपका डेज से लेके वीक्स में रहे तब हम उसको एक्यूट डिजीज बोलेंगे, है ना। सब एक्यूट कब कहेंगे, जब आपका डिजीज का ड्यूरेशन वीक्स से मंथ्स के बीच में रहे। ठीक है, जब आपका डिजीज का ड्यूरेशन वीक से मंथ्स के बेसिस पे रहे तब हम उसको सब अक्यूट कहेंगे। क्रोनिक कब कहेंगे, जब आपका ये इयर्स में चला जाए, है ना, ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज जब आपका इयर्स में चला जाए तब हम उसको क्रोनिक डिजीजेस बोलते हैं। ठीक है, हाँ, उसके बाद फिर हाँ नेक्स्ट हम लोग अच्छा एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं। आपको दो ही याद रखना है, एक्यूट एंड क्रोनिक। तो एक्यूट का एग्जाम्पल दीजिए, जो नॉर्मल आपको कॉमन कोल्ड होता है, कॉमन कोल्ड हो गया आपका। ठीक है, क्रोनिक का एग्जाम्पल बहुत सारा होता है। आपके घर में कौन कौन सा कॉमन बीमारी आपको दिखता है ना, तो एक तो शुगर का प्रॉब्लम है, शुगर के प्रॉब्लम को व्हाट डू वी कॉल इट डायबिटीज मेलाइटस, है ना, वी कॉल इट डायबिटीज मेलाइटस। दूसरा और बहुत एक कॉमन हाई बीपी का प्रॉब्लम, व्हाट इज दैट, दैट इज हाइपरटेंशन। ठीक है, और कौन सा बहुत कॉमन प्रॉब्लम मिलता है आजकल हम लोग को, हाँ, हाइपोथायरॉयडिज्म, है ना, थायराइड हार्मोन बनना कम हो जाता है। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ क्रोनिक डिजीजेस। आपको दो ही याद रखना है, एक्यूट एंड क्रोनिक। ठीक है, फिर नेक्स्ट बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं डिजीजेस को, है ना। तो नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉज ऑफ डिजीज, ऑन द बेसिस ऑफ कॉज ऑफ डिजीज, ऑन द बेसिस ऑफ कॉज ऑफ डिजीज, कॉज ऑफ डिजीज के बेसिस पे हम फिर से हमारे डिजीजेस को दो तरीके दो टाइप्स में बांट। तो दो तरह के डिजीजेस होते हैं, एक होता है इन्फेक्शियस
आश्रय होता है नॉर्मल। इन्फेक्शियस डिजीजेस कौन कौन से डिजीजेस होते हैं? वैसे डिजीज जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट होता है, दैट टाइप ऑफ इन्फेक्शन इज नोन एज इन्फेक्शियस डिजीज। और ऐसा डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं हो सकता है, दैट टाइप ऑफ डिजीज इज नोन एज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। अभी कौन सा बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस डिजीज है? कौन सा? ऑब्वियसली सबसे बड़ा एग्जाम्पल अब इसका क्या है? COVID-19, है ना? COVID-19 आपका ब्रेथ के थ्रू भी फैल रहा है ना, अगर आप सांस भी छोड़ रहे हैं तो एयर बॉर्न ट्रांसमिशन भी उसका हो रहा है। और इसका एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, है ना? और इन्फेक्शियस डिजीजेस का एग्जाम्पल HIV/AIDS, है ना? हेपेटाइटिस बी एटसेट्रा, है ना? ये सब डायरेक्ट ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन से आपका एक दूसरे से ट्रांसमिट हो सकता है, डायरेक्ट या वेक्टर के थ्रू। हम आगे बताएंगे वेक्टर क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज मतलब ऐसा डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसमिट नहीं हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है ना, आप बताइए कॉमन अभी जितना नाम लिए, डायबिटीज, मेलाइटस, हाइपरटेंशन, हाइपोथायरॉयडिज्म, और बताओ कैंसर, है ना, एटसेट्रा। ये सारा डिजीजेस कैसा है? ये सारा डिजीजेस एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट नहीं हो सकता। तो ऐसा क्या कॉज होता है कि कुछ इन्फेक्शंस जो होते हैं या कुछ डिजीजेस जो होते हैं वो हमारे इन्फेक्शियस होते हैं और कुछ दूसरे डिजीजेस जो होते हैं वो हमारे नॉन इन्फेक्शियस होते हैं? तो याद रखना, ये जो नॉन इन्फेक्शियस वाला डिजीजेस होता है, दीज आर कॉज्ड इन यू बिकॉज ऑफ सम रिस्क फैक्टर्स, है ना? आप में ऐसा, आपके बॉडी में अंदर ही कुछ ऐसा डिसऑर्डर होगा आपके सिस्टम के वर्किंग का, जिसके वजह से आपको नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हो। जैसे कि डायबिटीज क्यों होता है? आपके बॉडी में इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाता है। हाइपरटेंशन क्यों होता है? आपके बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है? हाइपोथायरॉयडिज्म क्यों होता है? आपके बॉडी में थायराइड का लेवल बढ़ना कम हो जाता है। कैंसर क्यों होता है? आपके बॉडी में सेल्स का अनकंट्रोल्ड डिविजन होने लगता है। तो इसमें देखो, कोई भी बाहर के रीजन के चलते आपका नहीं हो रहा है ना, आपके बॉडी के अंदर ही कोई मेटाबॉलिज्म या कोई फंक्शन का डिसरेगुलेशन हो रहा है जिसके वजह से ये इन्फेक्शन हो रहा है। और जो भी इन्फेक्शियस डिजीज है, यहाँ देखो, दिस इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ सम अदर ऑर्गेनिज्म, है ना? किसी और ऑर्गेनिज्म के वजह से ये डिजीज हो रहा है, इसीलिए ये इन्फेक्टिव है, ठीक है? क्यों इन्फेक्टिव है? क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म आपको ये डिजीज कॉज कर रहा है, आप इसको दूसरे को भी तो ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो जब किसी दूसरे के पास ये ऑर्गेनिज्म चला गया तो क्या उसको ये डिजीज नहीं होगा? ऑब्वियसली अगर वो ससेप्टेबल है, अगर उसको वो इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो भी, उसको भी इन्फेक्शन होगा, है ना? तो दिस इज द सेकेंड बेसिस जिसपे हम डिजीजेस को बांटते हैं, ठीक है? तो चलिए हम देखते हैं इन्फेक्शियस डिजीज का वेरियस वेज ऑफ स्प्रेड क्या होता है। आपके बॉडी में या एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक आपका ये इन्फेक्शियस डिजीज कैसे फैल सकता है ना? दिस इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर, आई थिंक इन वन मोर वीडियो दिस विल बी फिनिश्ड, ठीक है? देन वी विल स्टार्ट विद योर लास्ट चैप्टर, दैट इज टिश्यूज, है ना? इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने का नहीं है, आपको थोड़ा कॉमन सेंस है ना, एक दो चीज बताना है, वो है। चलिए, तो व्हाई डू वी फॉलो इन, हाँ, ways of transmission of infectious diseases. तो आपका जो infectious disease होता है, various ways से transmit हो सकता है, ठीक है? सबसे पहले blood transfusion. This is a very important mechanism. ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब जब कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को ब्लड डोनेट करता है, तो उसके बॉडी में मान लेते हैं कोई इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म है ना, वो जब दूसरे को ब्लड डोनेट करेगा तो वो ऑर्गेनिज्म उसके ब्लड से उसके भी ब्लड में चला जाएगा, है ना? तो ऐसे में आपका सबसे पहला ट्रांसमिशन हो सकता है, ठीक है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आजकल इन्फेक्शन का
रेट घट गया। क्यों? क्योंकि ब्लड बैंक्स में जब भी कोई डोनेट करता है ब्लड, है ना, तो वो एक फॉर्म फिल करता है, और वो जब फॉर्म फिल करता है तो उसका ब्लड का टेस्टिंग भी होता है, स्क्रीनिंग भी होता है ना, स्क्रीनिंग होता है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट उन डिजीज के लिए जो कि आपका ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो डोनर है ना, जो ब्लड डोनेट कर रहा है, उसको भी अगर कोई डिजीज हो तो उसको पता हो चल जाता है, ठीक है। सो यू शुड ऑलवेज डोनेट ब्लड। नेक्स्ट आते हैं ना, थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। है ना, लाइक हैंडशेक, किसिंग एटसेट्रा, है ना, इन सबसे अगर कोई डिजीज हो तो वो आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू जा सकता है। तीसरा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, सेक्सुअल ट्रांसमिशन। कुछ कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होते हैं जो कि आपका कॉपुलेशन का या कोइटस के टाइम पे एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसमिट हो सकता है। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन थ्रू फोमाइट्स। फोमाइट्स क्या होते हैं? दीज आर ऑब्जेक्ट्स, नॉट लिविंग थिंग, याद रखना, दीज आर ऑब्जेक्ट्स, है ना, ऑब्जेक्ट्स मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, है ना, वो रहते हैं जिनके थ्रू ट्रांसमिशन हो सकता है, जैसे कि आपका यूटेंसिल्स हो गया, किसी का यूज किया हुआ टॉवेल हो गया, क्लोथ हो गया, इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। अगर कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन इन सारी चीजों को यूज कर रहा है और फिर नॉन इन्फेक्टेड पर्सन इन सारी चीजों को यूज करे तो हो सकता है कि उसको भी वो इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं थ्रू वेक्टर्स। वेक्टर्स, वेक्टर्स क्या होते हैं? जैसे फोमाइट्स आर नॉन लिविंग थिंग, वैसे ही वेक्टर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिजीज फैलाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका मलेरिया का वेक्टर कौन सा है? मस्कीटो, है ना, मस्कीटो को खुद मलेरिया नहीं होता है, लेकिन वो एक अगर इन्फेक्टेड पर्सन है उसको बाइट किया, जो भी मलेरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो मस्कीटो में गया, है ना, फिर जब वो इन्फेक्टेड मस्कीटो किसी और ऑर्गेनिज्म को या किसी और ह्यूमन को, हेल्दी ह्यूमन को बाइट करेगा तो आपका क्या होगा, उसको भी मलेरिया हो जाएगा। तो वेक्टर क्या है? जब ऑर्गेनिज्म किसी डिजीज को फैलाने का काम करे कोई बीच में, उनको हम वेक्टर्स बोलेंगे। एक और तरीका हो जाएगा आपका, दैट इज आयाट्रोजेनिक, है ना, आयाट्रोजेनिक मतलब कि ड्यू टू डॉक्टर्स या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शंस। हॉस्पिटल में अगर कोई एडमिट है ना दूसरा पेशेंट, उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई दूसरा पेशेंट आया जिसको वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उस इन्फेक्शन से दूसरे उस ऑर्गेनिज उस ह्यूमन से दूसरे पेशेंट को आपका ट्रांसफर हो जाए, है ना। तो ये सारा आपका एग्जांपल है, ये सारा आपका वेज है जिससे आपका इन्फेक्शियस डिजीजेस का ट्रांसमिशन हो सकता है। लेट अस स्टार्ट विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्या क्या आपका कौन कौन सा डिजीजेस ट्रांसमिट हो सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज HIV AIDS, है ना, इसके अलावा हेपेटाइटिस भी याद रखना, ठीक है। थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में फिर से आपका हेपेटाइटिस भी आ जाएगा, याद रखना। HIV AIDS इज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू नॉर्मल फिजिकल टचेस लाइक हैंड शेकिंग, है ना, HIV का ट्रांसमिशन ऐसे नहीं होता है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन, फिर अगेन HIV AIDS, है ना, सिफिलीज, गोनोरिया, एक्सेट्रा, ठीक है। फोमाइट से इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम्पल, वेक्टर से याद रखना मलेरिया, ठीक है, उसके बाद आयाट्रोजेनिक में कोई भी इन्फेक्शन। अच्छा, एक और हो सकता है थ्रू फूड। सेवेंथ कैन बी थ्रू फूड एंड वाटर, है ना, एंड लास्ट वन विल बी फॉर एयरबॉर्न, है ना। एयरबॉर्न कैसे होता है? जनरली हम देखते हैं कफ ड्रॉपलेट से होता है ना, जनरली हम देखते हैं कि जो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन होता है दैट इज थ्रू कफ ड्रॉपलेट्स। तो फूड या वाटर बॉर्न का क्या है डिजीज का एग्जांपल? बहुत इंपॉर्टेंट, टाइफॉइड, कोलेरा, ठीक है, ये सब आपका फूड बॉर्न हो गए। नेक्स्ट, एयर बॉर्न में कफ ड्रॉपलेट्स के थ्रू जो स्प्रेड करते हैं, एग्जांपल TB, है ना, और अभी कौन सा बहुत डिजीज चल रहा है? कोविड 19, है ना, टी
टीबी, कोविड एक्सेट्रा. दीज आर द वेरियस वेज एंड एग्जाम्पल्स जिससे कि आपका अलग अलग वेज में डिजीज का ट्रांसमिशन हो सकता है. ठीक है, let us see various causative agents. ठीक है, तो दो तरह का causative agents हो सकते हैं. पहला हो सकता है other organisms. Other organisms, ठीक है, और दूसरा हो सकता है आपके body में ही कोई dysfunction, that is your risk factors. ना आपके बॉडी में कोई रिस्क फैक्टर है और वो मॉडिफाई होके आपका डिजीज का ये होने में मदद कर रहा है. तो जो ऑर्गेनिजम्स किसी और ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जाके रहते हैं, रह करके कोई डिजीज कॉज करते हैं, उनको हम कहते हैं पैथोजेंस. वी कॉल देम एज पैथोजेंस. सो व्हाट आर पैथोजेंस? पैथोजेंस आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच लिव, है ना, एंड कॉज डिजीज इन अदर ऑर्गेनिज्म. और जिस ऑर्गेनिज्म में रह के वो डिजीज कॉज करेगा उसको हम होस्ट कहते हैं. उनको हम होस्ट कहते हैं. रिस्क फैक्टर्स बहुत सारा हो सकता है. जैसे आपके फैमिली में हो सकता है आपको डायबिटीज का रिस्क हो, है ना, तो आपको डायबिटीज हो सकता है बहुत ज्यादा. अगर आप शुगर ले रहे हैं, अगर आपका इनएक्टिव लाइफस्टाइल है, आपको हाइपरटेंशन हो सकता है. तो ये सब जो भी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं, दैट इज दैट आर those are because of risk factors. तो अब ये pathogens कितने तरह के होते हैं? Pathogens are again various types. Virus हो सकते हैं, bacteria हो सकता है, protozoa हो सकता है, parasites हो सकते हैं, या worms हो सकते हैं. ये चार मेनली आपने किसी भी ह्यूमन में डिजीज कॉज कर सकते हैं. तो वायरस, जो बहुत सारा वायरल डिजीजेस का नाम बताओ. एचआईवी एड्स आपका वायरल डिजीज है, कोविड 19 आपका वायरल डिजीज है, है ना. एक और कोविड के जैसा पहले सार्स डिजीज आया था, है ना, सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. सार्स वाज आल्सो बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, लेकिन वो कोरोना वायरस का दूसरे स्ट्रेन की वजह से था, है ना, एंड इट वाज नॉट दैट इन्फेक्शन. जैसे कोविड 19 आपका ब्रेथ से भी स्प्रेड करता है, सार्स इतना स्प्रेडिंग नहीं था, बट इट वाज मोर डेडली देन कोरोना वायरस. ठीक है, उसके अलावा आपका बैक्टीरिया में आते हैं. तो बैक्टीरिया में आप बताओ, कोलेरा, टाइफॉइड, और बताओ, कोलेरा, टाइफॉइड, सिफिलिस, ट्यूबरकुलोसिस एक्सेट्रा. ठीक है, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया. नेक्स्ट आते हैं प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ का एग्जांपल हो गया, दैट इज अमीबियासिस. ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा मलेरिया, वर्म्स में आते हैं, है ना, वर्म्स में आपका हो जाएगा एस्केरियासिस. ठीक है, तो ये वेरियस आपके ऑर्गेनिज्म हो गए. आपके लिए एक होमवर्क, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और वर्म्स, इन चारों में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, और ये जितना भी हम डिजीजेस लिखे हैं उनका एक उनका कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन कौन सा होता है, आप ढूंढ करके मेरे को नेक्स्ट क्लास में, जो भी हम लाइव क्लास लेंगे उसमें आप मेरे को बताइएगा. वेल डिस्कस. ठीक है, ये वाला लेक्चर यहीं खत्म करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस कंप्लीट कर देंगे.